नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का 13 जनवरी को होगा शपथ ग्रहण। पीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज के बाद छात्र नेता दिलीप का बयान। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। नीतीश की राह पर चल पड़े तेजस्वी। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 आज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नगर निकाय जनप्रतिनिधियों का 13 जनवरी को होगा शपथ ग्रहण। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा बिहार के 13 जिलों के नगर निकायों में निर्वाचित सभी पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों और मुख्य पार्षदों का शपथ ग्रहण के लिए तारीख तय कर दी गई है। तय की गई तारीख के अनुसार यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम 13 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शपथ ग्रहण का कार्य कराने के लिए जिला के अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। वहीं अगर इस स्तर की पदाधिकारी की कमी होती है तो ऐसे में जिला पदाधिकारी उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज के बाद छात्र नेता दिलीप का बयान। बीते दिन राजधानी पटना में बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन करने पर लाठी चार्ज किया गया और कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता दिलीप कुमार पर भी पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की गई, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं। हालांकि लाठी चार्ज के बाद दिलीप ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की इस रवैये से आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि अब हम आगे की रणनीति और तैयार करेंगे। प्रशासन के द्वारा किए गए लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की गई है उन्हें भी हम छुड़वाने की कोशिश करेंगे और फिर आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। बिहार में नैनो यूरिया को बढ़ावा देगी सरकार, खर्च होगा कम। बिहार में यूरिया पर होने वाले व्यय को कम किया जा सके, इसके लिए बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा बीते दिन मीठापुर कृषि भवन के ऑडिटोरियम में कृषि डायरी 2023 का विमोचन करने के दौरान कहा गया है कि अब यहां के किसानों को नैनो यूरिया की उपयोगिता से अवगत कराया जाएगा और साथ ही इससे जुड़े लाभों को भी बताया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सके और यूरिया पर होने वाले अपने व्यय को कम कर सके। बता दें, कृषि डायरी 2023 को लेकर कहा कि यह डायरी किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। गंगा विलास को 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास को पीएम मोदी के द्वारा 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के लिए रवाना की जाएगी, जिसे क्रूज के द्वारा 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्रूज की यात्रा को लेकर नवम्बर 2022 में बंदरगाह, नौवाहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई थी कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज अगले साल जनवरी में अपनी यात्रा शुरू करेगा। गंगा विलास भारत की दो सबसे बड़ी नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र पर 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पवित्र वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक रवाना होगी। यूजीसी ने इंडिया रैंकिंग के लिए जारी किया निर्देश। यूजीसी के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखकर यह निर्देश दिया गया है कि अब बिहार के विश्वविद्यालयों समेत सभी अन्य शिक्षण संस्थानों को 2019-20 और 2020-21 की अपनी पीएचडी थीसिस को अब अनिवार्य तौर पर शोध गंगा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे 2023 की इंडिया रैंकिंग के लिए 2021-22 के अकादमिक साल तक की पीएचडी थीसिस की जानकारी हासिल की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग के द्वारा लिखे गए इस पत्र को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्य को भेजा गया है और जल्द से जल्द पूरी थीसिस को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि शोध गंगा का उपयोग बहुआयामी हो गया है। बिहार ने गंगा शोध संचालित करने वाली एजेंसी इन्फिल्बनेट से करार भी किया है, जो बेहद उपयोगी साबित होगा। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। बता दें कि उन्होंने अपने समाधान यात्रा की शुरुआत बेतिया से की है, जो कि आने वाले 7 फरवरी तक चलेगी। वहीं नीतीश कुमार की इस समाधान यात्रा को लेकर सुरक्षा में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। यात्रा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर डॉग स्क्वाड के साथ सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। बता दें कि इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अपने द्वारा शुरू किए गए नए 7 निश्चय योजना का जायजा लेंगे और साथ ही जन जन से मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर उनका निदान करेंगे।
बिहार में जीएसटी संग्रह में दिसंबर 2021 की तुलना में हुई बढ़ोतरी। बिहार में दिसंबर 2021 की तुलना में दिसंबर 2022 के जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है। यानी कि बिहार में 2021 की तुलना में 2022 में जीएसटी संग्रह में 36% की वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय संग्रह में 18% की वृद्धि हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के सभी राज्यों में बिहार जीएसटी संग्रह की तुलना में सबसे आगे है। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 10वां महीना है जब माल एवं सेवा कर राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। मकर संक्रांति पर तेजस्वी देंगे दही चूड़ा का भोज। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह पहली बार है जब मकर संक्रांति के अवसर पर राजद के द्वारा भोज का आयोजन किया जाएगा और वहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं होंगे। हालांकि अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि भोज किस दिन आयोजित किया जाएगा, 14 या 15 जनवरी को। वहीं दही चूड़ा के भोज के अवसर पर महागठबंधन के सभी घटक दलों को निमंत्रण भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में लगभग हर राजनीतिक दलों के द्वारा दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया जाता है। कड़ाके की ठंड लाई किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में एक तरफ बढ़ती ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह कड़ाके की ठंड किसानों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार इस बार हवा में नमी के साथ ठंड की स्थिति रहने से रबी की फसल की अधिक पैदावार होगी। एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी के अनुसार इस बार गेहूं का उत्पादन पिछले साल की तुलना में अधिक होगा। लगाए गए अनुमान के अनुसार इस बार गेहूं का उत्पादन लगभग 70 मीट्रिक टन हो सकता है और इस सीजन में गेहूं की खेती का क्षेत्र लगभग 23 लाख हेक्टेयर होगा। वहीं पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021-22 की बात की जाए तो उस दौरान गेहूं का उत्पादन 66.26 लाख मीट्रिक टन हुआ था। बगहा में सीएम का ऐलान, समाधान यात्रा के बाद देश यात्रा। आज से सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण जिले के दरुआबाड़ी गांव से की है। वहीं समाधान यात्रा के दौरान जब नीतीश कुमार से मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि क्या राज्य यात्रा के बाद आपका कोई देश यात्रा का प्लान है, उस पर नीतीश कुमार के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि फिलहाल अभी वे बिहार में घूम घूम कर यहां के कार्यों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले अपने गृह राज्य बिहार को देख ले और अगर कोई काम बाकी रह गया है तो उसे पहले पूरा कर ले। इसके बाद विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, उसके बाद देश की यात्रा पर निकलने के बारे में देखेंगे। एमएलए अजीत शर्मा को 1 साल की हुई सजा। भागलपुर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह की अदालत के द्वारा बीते दिन 4 जनवरी को कांग्रेस के भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत कुल 7 अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 353 के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 1,000 रूपए की आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 341 में 15 दिनों की साधारण कारावास और 250 रूपए जुर्माना लगाया है। वहीं सजा में डिफॉल्ट होने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। दरअसल जिस मामले को लेकर उन्हें सजा दी गई है वह मामला 3 नवंबर 2020 का है। नीतीश की राह पर चल पड़े तेजस्वी। बिहार में शराबबंदी को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी लागू ही रहेगी और अगर मुझे कोई भी शराब पीते दिखता है तो उसे उठाकर अपनी गाड़ी से जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब पीना कानूनी अपराध है और ऐसे अपराध करने वालों को सरकार की ओर से कोई मदद या कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। मुआवजे को लेकर अगर कोई विरोध करता है तो वह गलत है और अगर विरोध बढ़ता है तो इसके लिए हम अपने स्तर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बिहार में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को दी खुली चुनौती। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के चकिया में लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अपने प्रशासनिक काम को यात्रा का नाम दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण भी पहुंचेंगे और यहां पहुंचकर सरकारी अफसर और चुनिंदा लोगों से मिलेंगे और फिर अगले दिन मोतिहारी और शिवहर होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से जनता का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, वे केवल उन्हीं अफसरों से मिलेंगे जिनसे उनकी पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात होती है। मैं नीतीश कुमार को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो वे अपनी पसंद के किसी एक गांव में सरकारी अमले के साथ पैदल चलकर भी दिखा दे। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 आज। भारत और श्रीलंका के बीच आज 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी और टॉस का समय 6:30 बजे होगा। बता दें कि इसके पहले मुकाबले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 रन से जीत दर्ज की थी और 1-0 से बढ़त बनाई थी, इसलिए आज के इस मैच को खेलने के लिए श्रीलंकाई टीम इस सोच से मैदान में उतरेगी ताकि सीरीज को बराबर किया जा सके। एक तरह से श्रीलंका
सफलता के लिए आज का मैच करो या मरो की स्थिति का होगा। दोनों ही टीम जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.25 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुटु रंगीला, पिक्कू प्रदीप, कन्हैया कुमार, रवि शंकर, सुरेंद्र कुमार बेशरा, रंजीत यादव, सूरज जायसवाल, सुनील कुमार, नैन प्रकाश यादव, सदुल्लाह पलवी, जमशेद आजाद, भान प्रकाश मौर्य, अनवर करीम खान, नन्नू गोलू कुमार, कौशल कुमार झा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या शराबबंदी के मामले में नीतीश की राह पर चल पड़े हैं तेजस्वी, क्या आप इससे सहमत हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।